बावादम के दौर से, बावादम के बारे में कहा जाता है कि पहला पैगंबर भी वही था। अब सवाल ये वक्त पैदा होता है कि वो पैगंबर कहलाया क्यों? यो 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 भाई लोगो, गुड मॉर्निंग पब्लिक, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और भाई तुम लोगों को भाई सुबह सवेरे वापस जाते हुए सौदा सलफ लेने थोड़ा डीमन को करती गरम, ओके फिर वापस जाने के बाद मिलता हूँ। भाई गर्मर पहुंच चुकी होती और हबीब थे, मैंने कल भी बोला था, मतलब कल का व्लॉग इसी के ऊपर था कि भाई ये चीज़ें ला चुके हैं एकदम जेन्युइन सब्जियां फॉर यू। और मैंने कल बोला था डीमन शीमन वो मांगता है, डीमन शीमन नहीं डीमन सर्विस मांगता है बीडू, या फिर घर में धोएंगे। जैसे मैंने कल बोला था ना बावर शावर अनलॉक है तो गाड़ी को धोएंगे कल इंशाल्लाह। तीसरे पे पॉइंट है अस्सलाम वालेकुम। हां जी भाई पहचाना, अब पहचाना तो मैं ही हूँ, तुम लोग नर्ड नहीं समझना, ऐसे ही टाइम पास के लिए बहना है। आज हम लोग निकलने जा रहे हैं और टाइटल से तुम लोगों को पता ही होगा हम लोग किधर जा रहे हैं। तो हम लोग कर रहे हैं कैंपेन स्केच क्लब में, तो अब मिलते हैं उधरी ओका पर। अस्सलाम वालेकुम डीमन, वापस गंदा हो गया, अभी टाकी मारा था। डुल्ले 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 भाईजान अस्सलाम वालेकुम भाई, पहुंच पहुंच चुके और डुल्ले बनिस्बत मेरे जहां पे तो सर सा बता दूं कि आर्ट है क्या। तो मेरा ख्याल है कि मैं चंद जुमले बोल दूंगा, उसके बाद आप खुद बोलेंगे भी और पूछेंगे भी। तो आर्ट की डेफिनेशन तकरीबन थर्टी थ्री डेफिनेशंस मैंने कहीं पे पढ़ी थी, पूरी तकरीबन बुक इसी पे थी कि What is meant by word art? या आर्ट का क्या मतलब है? तो कुछ लोगों ने कुछ कहा, किसी ने कुछ और कहा, मुख्तलिफ। लेकिन जिस पे इस वक्त तकरीबन तमाम दुनिया मुत्तफिक है वो ये है कि उर्दू में कहेंगे इजहार ज़ात, एक्सप्रेशन का लफ्ज इस्तेमाल किया है बजाय कम्युनिकेशन के। मसलन मैं बोर्ड पे लिखता हूँ यहाँ पे 2+2=4, ये एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन नहीं है ये, मैं सिर्फ कम्युनिकेट कर रहा हूँ कि दो को जब दो से हम जमा करते हैं दो के साथ तो चार बनते हैं, ये कम्युनिकेशन है। इसी तरह से आप पूरे मैथमेटिक्स को ले लें, उसके साथ आप जितने भी साइंस के सब्जेक्ट्स हैं सब को ले लें, दूर हो ये शक दूर हो, आर्ट के जो बड़े, हालांकि अभी तो क्लासिफिकेशंस में बहुत सारी चीजें आर्ट में आ गई हैं, लेकिन बड़े बड़े हैं इस वक्त विजुअल आर्ट जो आप देख रहे हैं अपने इर्द गिर्द, ये एक्सप्रेसिव है, म्यूजिक एक्सप्रेसिव है, लिटरेचर एक्सप्रेसिव है जिसमें एक्सप्रेशन है कम्युनिकेशन नहीं है। बावादम के दौर से, बावादम के बारे में कहा जाता है कि पहला पैगंबर भी वही था। अब सवाल ये वक्त पैदा होता है कि वो पैगंबर कहलाया क्यों? इसलिए कि उन्होंने देखा कि आम जो लोग हैं आम रविश में उनमें छोटी मोटी खामियां बुराइयां और ये वो चीजें पाई जा रही है। तो उसने कहा कि मैं डिवाइन की तरफ से मुझे पैगाम मिला है कि Thank you.
अगर लग रही है उसमें तो वो भी कामयाबी है उसकी। एग्जैक्टली यही चीज है। अच्छा नेक्स्ट सर हमारे ग्रुप है, आपका ग्रुप है। अच्छा यस सर ये भी हमारा ग्रुप। अच्छा आप तो उस ट्रांसजेंडर के लिए मैंने ये किया था कि ये ट्रांसजेंडर जो हमारा माशरा है उसके ऊपर उसको कोई हकूक नहीं दिए गए हुए, उसको मतलब ऐसा उसको एक्सेप्ट करने की वो नहीं दे रहे। हम उसको अपने आप दिखाने के लिए कभी मेल बनना पड़ता है कभी फीमेल बनना पड़ता है, तो ये चीज हमारे माशरा उसके साथ बहुत गलत करने की कोशिश कर रहे हैं। जो मैं चाहती हूँ कि वो उनको दिया जाए, उनकी बेशक अल्लाह ताला ने एक क्रिएचर बनाया है मेल और फीमेल दोनों को मिलाकर, लेकिन उनके भी हकूक है, हम वो ही नहीं इंसान है। बिल्कुल बिल्कुल सही, बिल्कुल जो खरदार। अच्छा अच्छा सर ये मुझे जो चीज अंदर जो इन्होंने जो तस्वीर बनाई हुई है ये मुझे रिलीजन को ही लग रहा है, और इस रिलीजन जो है खरदार तारों से इसको जो है आप बता दें नौजवान। यस सर मैं इसको फीमेल का नेचर कहूँगा, इसको कभी कोई समझ नहीं सकता। भाई शॉर्ट्स मॉर्ट्स देखे होंगे तुम लोगों ने इस गिम्बल से, कल पूरी रात इसको चार्ज पे लगाया था तुम लोगों के बारे में बनाने के लिए इसका मतलब ये शॉर्ट्स लेने के लिए। भाई घर शहर पहुंच चुके हैं और यहाँ पे सुचुल यहाँ पे मैं एक मजेदार समीम लगा दूंगा इसके लिए। पहली फुर्सत में निकल, वैसे खुद भी एक मीम है। चलता फिरता मीम, ठांगों वाला मीम। भाई जैसे कि तुम लोगों को पता है अपन लोग घर मर पहुंच चुके थे और मैंने जियास छुड़ाया। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है, जियास छुड़ाया ये घड़ी। यहाँ पे अल्लाह हाफिज सर जी, ये लोग भी जा रहे हैं। टाटा बाजी टाटा बाजी टाटा अब्दुल्ला अल्लाह हाफिज टाटा। भाई अभी तुम लोगों का भाई जा रहा है सौदा सलफ लेने। ज्यादातर तुम लोगों को पता होता है कि इस टाइम किस चीज के लिए जाते हैं तो। और भाई आप लोग भी हैरान होंगे चश्मे में रिफ्लेक्शन क्यों नहीं दिख रहा लाइट का। मिलते हैं। तुम लोगों का भाई घर शहर पहुंच चुकी होती और अल्हम्दुलिल्लाह अदीम फॉर यू। एंड भाई ये चीज है फिलहाल बॉस। ओह ये जो घर में आके गर्मी मिलती है ना अचानक से तो सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। भाई तुम लोगों के भाई ने खा लिया है खाना शाना और आज मुशू नहीं दूंगा क्योंकि भाई बहुत ज्यादा थक चुका हूँ मैं और अभी डायरेक्ट जाऊंगा सोने तीसरे पे। और मैं करता हूँ इधर इस व्लॉग को एंड और जाहिर है आप लोगों को पसंद आया होगा क्या है। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। जरूर आप लोगों को पसंद आया होगा ये ब्लॉग, तो मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगले वीडियो में। तो वीडियो अच्छी लगी थी वीडियो अगर लाइक कर देना, चैनल में नए तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो यार। और मिलता हूँ आप लोगों से अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए यू नो ब्रदर्स तीसरे पे पॉइंट ऑल गुड बाय। बंदों में ठीक सा इसी वजह से पहुंचा इस मकाम पे जिस मकाम